नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हमारे घर का मास्टर शेफ। आपने हमको लास्ट एपिसोड में बहुत प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स किए कि आपको सेकंड एपिसोड देखना है, तो आज हम आपके लिए सेकंड एपिसोड लेके आए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी कंटेस्टेंट अमिता जी को इनवाइट करते हैं। वेलकम वेलकम। तो लास्ट टाइम तो आपने तीनों डिशेस बहुत अच्छी बनाई और सारे जजेस को आपका खाना बहुत पसंद आया था, तो आज हमने आपके लिए चैलेंज थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया है। तो आज के चैलेंज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो आपके सामने तीन बोल्स रखे हुए हैं, तीनों बोल्स में चिट्स हैं और हर चिट में एक इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस बोल से एक इंग्रेडिएंट उठाना है, इस बोल से एक उठाना है और इस बोल से एक उठाना है, और वो तीनों इंग्रेडिएंट जिस भी ऑर्डर में आए, जो भी कॉम्बिनेशन हो, उसको यूज करके आपको एक मास्टर शेफ वर्दी डिश बनानी है। सर, लास्ट टाइम तो सबको मेरी डिशेस बहुत पसंद आई थी, इस बार ये लोग कुछ नया चैलेंज लेकर आए हैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा। आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट देम। चैलेंज एक्सेप्टेड? या ओके आसम। तो हम चिट्स उठाते हैं। तो आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्रेप्स। इंटरेस्टिंग। मिल्कमेड लग रहा है, कुछ डिजर्ट बनेगा। सूजी। कैन यू मेक समथिंग विद दिस? सो तीनों चीजें तो बहुत ही अलग हैं, मिल्कमेड, सूजी और ग्रेप्स। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो बनाना ही है, तो सूजी से क्रस्ट बनाऊंगी, ग्रेप्स और मिल्कमेड से रबड़ी बनाऊंगी, जो ब्लैक ग्रेप्स है उनसे सॉस बनाऊंगी। सो तीनों मिला के जब हम प्लेटिंग करेंगे तो अच्छा ही बनेगा। तो अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आपको एक डिश बनानी है, बट आपका जॉब हम थोड़ा सा इजी कर देंगे। हम आपको देंगे एक बेसिक पैंट्री जिसमें किचन की रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें होंगी, जैसे चीनी, मिल्क, नमक, मसाले, ऑल ऑफ दैट। तो उसको यूज़ करके आपको शायद ये खाना बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आसम। सो चैलेंज इज एक्सेप्टेड। यू हैव अ टोटल ऑफ 2 hours टू मेक दिस डिश। मेक श्योर दैट इट्स मास्टर शेफ वर्दी एंड लेट्स बिगिन। क्या लगता है, कुछ बन पाएगा? थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया ना? हाँ, बन जाएगा। कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में? कुछ तो आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन सोचते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। सो लास्ट टाइम आंटी ने तीनों डिशेस से हमको बहुत इंप्रेस किया था, बट आज के इंग्रेडिएंट्स देख के लगता नहीं है कि वो वापस रिपीट हो पाएगा। रोज तो अच्छा ही खाना बनता है, आज देखते हैं क्या होता है। लगता है टीम ने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चिट बना दी है। मैं जज बनने के लिए तो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लगा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन ग्रेप, सूजी और मिल्कमेड, I didn't sign up for this. So crowd के थोड़े से mixed opinions हैं, mainly because ingredients थोड़े से difficult हैं, but मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ pull off कर लेती है, तो I still have high hopes. तो finally क्या सोचा है dish के बारे में? क्योंकि milkmaid है, तो हम कुछ dessert ही बना सकते हैं, तो dessert बना रही हूँ मैं, और basic जो आपने ingredient दिया है, वो सब use करेंगे उसमें से जो भी है, पर main जो ingredients हैं तो उसमें से मैं सूजी का एक क्रिस्प बनाऊंगी, फिर मिल्कमेड और ग्रीन ग्रेप्स की रबड़ी टाइप से बनाऊंगी कुछ, एंड ब्लैक ग्रेप का सॉस बनाऊंगी। तो ये आपने ये पहले बनाया कभी? कभी नहीं बनाया, बट बन जाएगा ऐसा लगता है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा देख के। तो मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम रूल्स बता देती हूँ। ये आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको एक बेसिक पैंट्री मिली हुई है, मिल्क, शुगर, बटर, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, और ये सब यूज करके आपको एक मास्टर शेफ वर्दी डिश बनानी है विद इन 2 hours। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। पहले सॉस बना लेते हैं। तो ये पहले तो ग्रेप चेक करना पड़ेगा, बच्चे लोग लेकर आए हैं, अरे सीड भी है और स्किन भी बहुत हार्ड है। I have to remove the seeds first. ये तो बहुत time taking हो जाएगा। खट्टा भी है। So I think जितना चाहिए उतना हो गया है, grapes तो उतना हो गया है, but I'm little confused कि grapes की quality देख के लग रहा है कि sauce अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, फिर भी बनाते तो हैं। कैसा चल रहा है आंटी? हाफ एन आवर हो चुके हैं और अब तक कुछ बना नहीं है। हाँ, बना तो नहीं है, लेकिन ये ग्रेप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सीड्स हैं इसमें बहुत, तो आधा घंटा तो मुझे सीड्स निकालने में लग गए, और स्किन भी बहुत हार्ड है उसकी, और खट्टे भी हैं।
लगता है आंटी से बनेगा नहीं, इसलिए अंगूर घट्टे हैं। स्किन बहुत मोटी है इसकी, तो इसको तो मिक्सी में एक बार ग्राइंड करना पड़ेगा, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सॉस को थोड़ा शाइनी बनाने के लिए इसमें थोड़ा बटर डालेंगे तो वो शाइनी बन जाएगा। सो फाइनली जैसा सॉस चाहिए था वैसा बन गया है। इट्स नाइस थिक एंड शाइनी। सॉस बन गया? यस। आर यू हैप्पी विद दिस? कैन आई टेस्ट? फर्स्ट तो नहीं थे लेकिन फाइनली it's good. Okay. Yeah. Can I taste it? Yeah, sure. The color is very nice. Taste karke dekhte hain. सलोनी के एक्सप्रेशन ने तो मुझे डरा दिया था, लेकिन मुझे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, अच्छा ही बना होगा। सो सॉस तो फाइनली अच्छा बन गया। अब सूजी का क्रस्ट बना लेते हैं। जो दूसरा इंग्रेडिएंट मिला था सूजी, उसका यूज़ कर रहे हैं अभी हम। तो इसे हमें थोड़ा स्मूथ कर लेना है क्योंकि इससे हमको एक क्रस्ट बनाना है, तो बेलना पड़ेगा थोड़ा पतला, तो जैसे हम आटा बनाते हैं वैसे बना देना है। सो क्रस्ट जो मैं बनाना चाह रही थी वो तो बन गया है, इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाना है लेकिन वो लास्ट में करेंगे। सो तीसरा इंग्रेडिएंट जो मुझे मिला है वो है मिल्क मेड। खाली मिल्क मेड तो नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं उससे रबड़ी बना रही हूँ, लेकिन रबड़ी में अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो और अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा जो उन्होंने ग्रेप्स दिए हैं उसी को ऐड करती हूँ, तो कुछ फ्यूज़न बनेगा। मिठाई की दुकान में जो अंगूर रबड़ी मिलती है उसमें छेने से छोटे छोटे अंगूर साइज़ के रसगुल्ले बनाकर डाले जाते हैं, लेकिन मुझे अंगूर दिया गया है तो मैं रसगुल्ले की जगह पर रियल अंगूर डालूंगी और अंगूर रबड़ी बनाऊंगी। सिर्फ 40 मिनट्स बचे और मैं जब भी आ रहा हूँ आप मुझे अंगूर छीलते हुए ही दिख रहे हो। सर ये टाइम की बात कर रहे हैं और अंगूर की क्वालिटी इतनी खराब दी है, अगर अंगूर अच्छे मिले होते तो मेरी पूरी डिश ही आधे घंटे में बन जाती। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है आंटी। थैंक यू। जब मैंने आपका पहला एपिसोड देखा था मुझे तभी से इस एपिसोड में आना था, और जब मुझे बोला कि जज करना मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। आई रियली होप कि आपका बहुत अच्छा बन गया है। अच्छा लग रहा है कि इस बार कोई तो है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है। होप आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट हर। सो आंटी लास्ट 10 मिनट्स ये तो टूट रहा है। अभी तक आपकी प्लेटिंग चालू हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है लास्ट 10 मिनट्स फटाफट। Hi, my name is Abhishek और आपको पता ही है मेरी मिठाई की दुकान है। Hi, my name is Saloni and I'm a big time foodie. Hi, I'm Neha and I'm just excited to try the dish. जल्दी लाओ। Hello judges, मैंने आज आपके लिए जो डेजर्ट बनाया है वो मालपुआ और रबड़ी से इंस्पायर्ड है, तो अभी तो मेरे पास उसके लिए कुछ नाम नहीं है, आप खाइए और बताइए कि क्या नाम दे सकते हैं।
सबसे पहले तो मेरी आपसे एक शिकायत है, ये हमेशा एक ही क्यों बनाते हैं आप? दिस इज सो गुड, द फ्लेवर्स, रबड़ी, मालपुआ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट अमेज्ड बिकॉज मैंने जब आपके इंग्रेडिएंट्स देखे थे शुरू में तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अजीब सा बनेगा और वीडियो के लिए मुझे बस आपकी तारीफ करनी पड़ जाएगी, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। इट्स वेरी वेल बैलेंस्ड। आई डोंट नो कैसे बना होगा ये, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ स्क्रैच से कि इसका प्रोसेस क्या होगा, बट आई लव द बेस, आई लव द रबड़ी दैट यू मेड, ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, 10/10। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे डरा ही दिया था। पहली बात तो 10/10 फॉर द प्लेटिंग, बहुत सुंदर था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं पहले एपिसोड से आपकी फ़ैन थी, तो मैं बस खाने के लिए वेट कर रही थी, और आई एम सो हैप्पी कि मैंने ट्राई किया, बहुत टेस्टी बना है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ पार्सल कर दीजिएगा। श्योर, मैं पक्का पार्सल दूंगी आज आपको। सो आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने दूसरा एपिसोड बनाया, वो आप सभी को ये एपिसोड भी पसंद आएगा, आप ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ये जो रेसिपी मैंने बनाई है उसका नाम है क्रेप इन्फ्यूज्ड रबड़ी डिलाइट। आप सभी को अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं पूरा एक वीडियो इसके ऊपर फिर से बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।